एक गांव वालों ने ऐसे ही सबने मिलके सोचा भाई एक बढ़िया सा मंदिर बनवाते हैं। तो सबने मंदिर का निर्माण किया, खूब भव्य मंदिर बना, पैसा लगा, और उसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की, राधा कृष्ण भगवान की मंदिर को बनवाया। मंदिर इसलिए बना कि सारा क्षेत्र आए उसमें, इकट्ठा हो, भगवान की पूजा अर्चना करे। पर हुआ क्या, बोले मंदिर में भगवान राधा कृष्ण के भक्त तो आते पर राम जी के भक्त नहीं आते। राम जी वालों ने सोचा जब हमारे राम जी नहीं तो हम क्यों जाएं वहां। कृष्ण जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान की मूर्ति, यही जाएंगे, हम क्यों जाएं। तो अब सब समिति वालों ने इकट्ठा होकर मीटिंग करी, बोले भैया ये तो गलत बात है कि आधे लोग आए आधे ना आए, क्या करें, राम जी वालों को कैसे खुश करें। किसी ने सुझाव दिया, एक काम करो, राधा कृष्ण की मूर्ति हटाओ, राम दरबार रख दो। तो राधा कृष्ण भगवान की मूर्ति हटा के राम दरबार रख दिया। अब सबने सोचा चलो अब ठीक हो जाएगा मामला, पर मामला तो वैसा कि वैसा। अब राम जी वाले तो आना शुरू हो गए पर कृष्ण जी वाले बंद हो गए। ले अब हम क्यों जाए अगर हमारे ही भगवान नहीं है तो वहां, अब तो राम जी वाले जाएंगे। तो फिर मीटिंग बिठाई, बोले अब क्या करें। तो किसी ने सुझाव दिया एक काम करो, राम मंदिर कृष्ण मंदिर दोनों हटा दो यहां से, यहां एक शिवलिंग स्थापित कर दो, शिवालय, तब तो राम जी और कृष्ण जी फिर दोनों ही खुश हो जाएंगे। अब वहां शिवलिंग बना दी गई पर फिर भी मामला वैसा कि वैसा। अब शिव वाले तो आने लगे और राम और कृष्ण दोनों बंद हो गए। कोई कुछ सुझाव दे, कोई बोले यहां गुरुद्वारा बना दो, कोई कुछ कहे। एक गांव में संत आए थे, लोगों ने सोचा महाराज जी से पूछते, महाराज जी से जाकर कहा महाराज जी ऐसा क्या करें कि जहां सब लोग आए, बिना भेदभाव करे आए, कोई अंतर ना समझे, और पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो, पूरा गांव इकट्ठा हो, ऐसा क्या करें। तो महात्मा जी थोड़े विनोदी थे, हंसते हंसते बोले बेटा मत तो यहाँ राम दरबार रखो, मत यहाँ कृष्ण, मत यहाँ शिवालय, यहाँ एक तुम बढ़िया सा होटल बना दो। उस होटल में सारे की सारे आएंगे, सारे धर्म के आएंगे। होटल में जाने से पहले कोई पूछता है कि भाई किस धर्म वाले का होटल है ये, खाने से पहले पूछते हो कौन से धर्म वाले का होटल, तुरंत पहुंच जाएंगे, खाना चाहिए हमें, खाने से मतलब है। तो महात्मा जी ने कहा कि ये है संसार में लोगों की मानसिकता, कि जो इतनी छोटी चीज है वहां तो सब एक हो जाते हैं होटल जैसी चीज पर, और धर्म की बात आती है तो सब बिखर जाते हैं। भगवान की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, तो सब अपने अपने झंडा लेकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब कोई सच्चा सदगुरु प्राप्त होता है तो सदगुरु दीनी ऐसी नजरिया, हर कोई लागे मीत रे, अब नहीं लागे कोई पराया, सबसे हो गई प्रीत रे। सदगुरु ऐसी दृष्टि दे देता है कि भाई भेदभाव मत करो, ये इसमें उसमें अंतर मत करो। ईश्वरः सर्वभूतानां, वो अलग बात है कि अपने जो भगवान होते हैं आराध्य, उनसे प्यार थोड़ा ज्यादा होता है, वो तो स्वाभाविक ही है, पर है वो सब में विराजमान। ऐसा नहीं है कि वो यहां नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं, सब जगह है, सबके भीतर है, सब में विराजमान है। तो जब सब में विराजमान है तो सब में अपने उस भगवान को देखने की दृष्टि ये केवल सदगुरु ही देते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाओ ताकि वो हमारी दृष्टि को भगवतमय बना दे। ये काम बस एक गुरु ही कर सकता, बाकी अपने होने से ये होता नहीं। गुरु कृपा करके हमें आंख पर चश्मा पहनाता। अब जिसके आंख पर चश्मा हो, दिख नहीं रहा हो, तो डॉक्टर कहेगा भैया चश्मा पहनो, तुमको सब अच्छा अच्छा दिख जाएगा। गुरु क्या करता है, गुरु हमारे हृदय में भगवान को ऐसा बिठा देगा, देते हैं कि अब हर जगह वो नजर आए, और जब भीतर ही नहीं होगा तो बाहर कैसे नजर आएगा। एक आदमी चश्मे वाले की दुकान पे गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर चेक करते हैं तो सामने कुछ अक्षर लिख देते हैं और कहते हैं एक आंख बंद करके अब इसको पढ़ो क्या लिखा है। तो उसकी एक आंख बंद करवाई, उसे कहा बेटा बता क्या लिखा है, तो उसने कहा नहीं हमको दिख नहीं रहा। तो उसके आंख पे लेंस, अब वो लेंस बदल बदल के देखता है नंबर जो होते हैं चश्मे के,
तो चश्मे का नंबर लगा के लेंस लगा, बोले बेटा अब दिख रहा? बोले नहीं। पढ़ क्या लिखना, पढ़ना आ रहा है क्या लिखा हुआ? बोले नहीं। तो दूसरा बदला, थोड़ा और भारी वाला लगाया, अब देख पढ़ के बता? बोले नहीं आ रहा। उसने सारे जितने अपने दुकान में लेंस थे सब बदल बदल के देख लिए, बेटा आप पढ़ने में आ रहा? बोले नहीं आ रहा। और डॉक्टर परेशान, बोले सारे लेंस लगा दिए उसको फिर भी पढ़ने में नहीं आ रहा, क्या करूँ? तो वहीं को एक समझदार आदमी बैठा था, उसने कहा डॉक्टर साहब रुको मैं पूछता हूँ, लेंस बाद में लगा। उसने उससे एक प्रश्न किया, प्रश्न ये था तुझको पढ़ना आता है? बोले नहीं। बोले जब तुझे पढ़ना ही नहीं आता तो इस दुकान के का दुनिया के हर दुकान का लेंस लगा दो, इसको थोड़ी ना काला अक्षर भैंस बराबर। जिसके भीतर पढ़ाई होगी उसी को तो बाहर दिखाई देगी, कितना भी चश्मा बदल लो। तो जिसके भीतर भगवान होंगे उसको तो बाहर संसार में भगवान दिखेंगे, जिसके है ही नहीं भीतर उसको दिखेंगे कहां से? तो वो सदगुरु जो चश्मा पहनाते हैं, उस चश्मे से अगर कोई भगवान को देखेगा तब भगवान देखेंगे। तो ये कृपा का चश्मा गुरु ही पहनाते हैं जिससे भगवान का दर्शन हो सके। और जब ये बात कोई भी गुरु पढ़ के नहीं बोलता, अनुभव से बोलता है, सिया राम में सब जग जानी, ये अनुभव का विषय। जो अनुभव से बोलेगा वो सदगुरु अपने शिष्य आश्रित को यही सिखाएगा कि भैया सब में भगवान है, इसलिए भेदभाव मत कर, सबका आदर कर, सबका सम्मान कर। और भागवत जी भी यही कहती हैं, भागवत का कोई बंटवारा नहीं है, भागवत किसी एक विशेष भगवान या देवी देवता की नहीं है। अब देखो मंदिर का निर्माण है सूर्य मंदिर, विराजमान कौन हो रहे हैं मंदिर में? सूर्य भगवान। और कथा कौन सी हो रही है? श्रीमद् भागवत। अब कोई कहे जी सूर्य भगवान का मंदिर निर्माण है तो कथा भी तो सूर्य भगवान की होनी चाहिए, भागवत जी तो ये तो कन्हैया वाली वालों की है, तो कृष्ण जी वालों की है, तो राम जी वालों की है? बोले नहीं नहीं नहीं, भागवत सबकी है, भागवत सब देवी देवताओं की है, भागवत सब देवी देवताओं को मानने वालों के लिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो भेदभाव करने वाले लोग होते हैं बड़े धर्म को खिलवाड़ समझ लेते हैं,